वैश्विक महामारी से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी लें। टीकाकरण के साथ साथ मास्क का भी उपयोग जारी रखें। 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र के लोगों को कोविड की वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट वंदना पोपली और नगर परिषद के उप प्रधान श्याम सुंदर चुग ने सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर वैक्सीन ली। वंदना पोपली ने देश और प्रदेश के नागरिकों से अपील की कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन ले ताकि कोरोना के खतरे से अपने आप को बचा सके। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना इत्यादि सावधानियां बरतते रहें तथा अपने शरीर का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम और खान पान का ध्यान रखें। इसके अलावा इस महामारी के दौरान अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। जरूरी है कि वर्तमान पर फोकस करें और यह याद रखें कि यह समय चिरस्थायी नहीं है। इस मौके पर राजकुमार दुआ, एकता दुआ, गोपाल शर्मा, चंद्रकला गोपाल दास, कृष्णा कुमारी व नवीन पोपली ने भी कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। आज मैंने कोरोना की पहली वैक्सीन की डोज लगाई है। मैं सभी को यही कहूँगा कि ये कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज आपने वैक्सीन की पहली डोज ली, क्या कहोगे? आज मैंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। मैं सभी से यही कहूँगा कि अपने देश की कोरोना की वैक्सीन बनी हुई सभी को लगवानी चाहिए जिससे कि इस महामारी से बचा जाए। क्या कहेंगे, आज आपने वैक्सीन लिया है यहाँ पर, क्या दूसरों को मैसेज है? देखिए, कोविड की आज वैक्सीनेशन ली है, पहली डोज ली है मैंने आज, और बहुत ही ज़्यादा गर्व की अनुभूति हो रही है क्योंकि भारत में बनी हुई वैक्सीन को मैंने लगवाया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश और प्रदेश की जनता को यही कहना चाहूँगी कि सभी वैक्सीनेशन कराएं, लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान रखें कि कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, मास्क भी लगाएं, हाथ भी धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, पहले दौर में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने जन्म लिया था तो पहले दौर में रेवाड़ी के अंदर, जिला रेवाड़ी में 76 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अभी भी लापरवाही खत्म नहीं हुई क्योंकि बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है, जनसभाएँ हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डर है वो निकल गया है, लेकिन उन परिवारों को देखिए जिन्होंने अपने जो मेंबर्स हैं उनको खोया है, उस तरफ देखने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि कोरोना होके चला गया, उनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आए, तो एक तरह से वो डर सा निकल गया है, लेकिन डर एक्चुअल में है। उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपने घर के मेंबर्स को खोया है। लेकिन नहीं लगता कि लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है, और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन? बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रशासन की तरफ से भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और आपकी बात सही है कि लापरवाही भारी पड़ सकती है, तो आपके चैनल से के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगी कि जनता को कि लापरवाही को छोड़ दें, कोरोना का डर अभी गया नहीं है, कोरोना दोबारा से आ गया है, तो अभी हमें और भी बचकर रहने की आवश्यकता है।